हेलो एवरीवन, आई एम राकेश कुमार, मैथ टीचर फ्रॉम हैप्पी हाई स्कूल। मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी ऑन हैप्पी हाई स्कूल यूट्यूब चैनल। लेट अस गो स्टार्ट इन चैप्टर 4th क्लास 10th। तो देखते हैं 10th क्लास का टॉपिक फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन एक्सरसाइज फर्स्ट को हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल x, वेरिएबल को हिंदी में चर बोलते हैं, इज एन इक्वेशन, एक समीकरण है ऑफ द फॉर्म, जिसकी फॉर्म ये होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, जिसकी फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जिसमें x वेरिएबल है, a है ये कोफिशियंट है और b की x का कोफिशियंट है, c इसमें कांस्टेंट टर्म है। ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये मिडिल टर्म, ये थर्ड टर्म इज इक्वल टू जीरो। वे हैव a b c आर रियल नंबर, ये कोफिशियंट है, ये आपके रियल नंबर है। a है नॉट इक्वल टू जीरो, a जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a जीरो के इक्वल हो गया तो आपकी फर्स्ट टर्म है वो वैनिश हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फिर आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो इसमें बेसिक यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी पहचान क्या है, ठीक है, उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड थर्ड टर्म क्या है, वो इसमें मेंशन किया गया है। ये फिर आपका एक एग्जांपल दिया गया है 5x² + x - 200 = 0, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। तो ऐसे हमने समझना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो आपका वो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में जानिए, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको चेक करना है, चेक द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने ये चेक करना है कि ये इक्वेशन जो दी गई है ये क्वाड्रेटिक है, ये चेक करके बताना है कौन कौन से पार्ट इसमें क्वाड्रेटिक बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम हल करते हैं, ए है फर्स्ट पार्ट में, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहां हम इसको हल करके, इसको सॉल्व करके ये दर्शाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहां आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्म होती है इसकी। तो ये फॉर्म यहाँ लगानी है हमें, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये बन गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 3 जा 6। अब इसका आगे बढ़ाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 2x ट्रांसपोज करेंगे माइनस 2x, माइनस 6 ट्रांसपोज करेंगे प्लस 6, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट आपका, तो x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपकी फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, यहाँ पे मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म 0 है यहाँ पे। तो मिडिल टर्म भले ही 0 हो लेकिन फर्स्ट और लास्ट टर्म का होना जरूरी है, और x की हाईएस्ट पावर 2 है, होल नंबर है। तो यहाँ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दी गई इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने सोल्व करके देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या नहीं बनती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्म है, तो यहाँ आपकी मिडिल टर्म नहीं है, तो मिडिल टर्म भले ही नए हो लेकिन फर्स्ट टर्म का होना जरूरी होता है, फर्स्ट टर्म आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन है। ऐसे ही हम एक दो पार्ट और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में।
तो चलो देखते हैं, पार्ट करते हैं इसमें हम डी पार्ट। तो डी पार्ट में भी हमने यही चेक करना है, x माइनस थ्री इंटू एक्स टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। इसको हल करेंगे हम तो x इंटू टू एक्स, तो सेम बेस है, मल्टीप्लाई में पावर एड हो जाएगी तो x x पावर टू हो जाएगी आपके यहाँ, तो टू एक्स स्क्वायर बनता है, फिर x ही करेंगे वन के साथ तो प्लस एक्स, थ्री की टू के साथ माइनस सिक्स एक्स, माइनस थ्री के प्लस वन के साथ माइनस थ्री, यहाँ आपका ये मल्टीप्लाई है। अब हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ फाइव एक्स, अब इसको हल करेंगे आगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स रहेगा आपका माइनस थ्री, ट्रांसपोज कर लो नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा नेगेटिव, फाइव एक्स ये भी नेगेटिव इज इक्वल टू जीरो। अब हम इस पर भी बढ़ाएंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाले ज्यादा है तो आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस ये दोनों नेगेटिव है एड हो जाएंगे माइनस टेन एक्स और यहाँ पे आपका माइनस थ्री, तो ये है आपकी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो आपकी इक्वेशन है, ठीक है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन हल करके देखने, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में आइए आप, तो सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना हमने। तो फर्स्ट ए पार्ट कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आयताकार खेत है जिसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द फील्ड इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स बर्थ, इसकी जो लेंथ है खेत की जो लेंथ है वो कितनी अधिक है, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक कौन है लेंथ है, तो हमने चौड़ाई माननी पड़ेगी ब्रेथ माननी पड़ेगी, तो वी वांट टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का इंपॉर्टेंट है, लेंथ देन ब्रेथ, लेंथ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर फील्ड, तो आपका x मीटर हो जाएगा, रेक्टेंगुलर फील्ड की जो ब्रेथ है वो हमने x मीटर मान लिया है, एंड लेंथ है, लेंथ आपकी कंडीशन लगा रखी है दुगने से एक अधिक है, तो टू टाइम्स करेंगे और वन मोर करेंगे, तो ये आपका कितना मीटर, ये लेंथ हो जाएगी। अब इसका पेरीमीटर, इसका हम हमारे पास है एरिया दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ये 528 मीटर स्क्वायर है। अब रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालते हैं तो l इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ की जगह भी आ जाएगा आपका 2x प्लस वन इंटू में ब्रेथ हो जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 528, ठीक है जी। अब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2x स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई करोगे प्लस x बराबर 528, अब 2x स्क्वायर प्लस x ट्रांसपोज करोगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपकी फॉर्म आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The equation is
फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक. द इक्वेशन इज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक. इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में. ठीक है जी, तो ऐसे हमने हल करके इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाया है. ऐसे ही एक क्वेश्चन बोल सकते हैं इसमें हम. क्वेश्चन सेकंड का पार्ट है. सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट करते हैं. रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. रोहन्स की माता वो उसकी तुलना में, रोहन की तुलना में 26 साल बड़ी है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ. अब से 3 साल बाद उनकी आयु का जो प्रोडक्ट है वो तो 360 हो जाएगा. तो वी वांट टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट. रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर. His mother is. And his mother is. उसकी माँ की जो एज है वो उससे 26 साल बड़ी है. तो x plus 26 year. ये रोहन की माता की आयु पूछ रही. अब कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन की शर्त ये है the product of their age 3 years from now. अब से 3 साल बाद उनकी आयु का प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा. तो आफ्टर थ्री इयर्स 3 साल बाद देखें प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 36 years. प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 36 years. आफ्टर 3 years 3 साल बाद उनकी आयु का जो प्रोडक्ट है 360 हो जाएगा. तो उनके 3 साल बाद की आयु देखेंगे तो ये देखिए ये x प्लस 3 ये रोहन की एज हो जाएगी और ये फिर x प्लस 26 प्लस 3 ये मदर की एज हो जाएगी. बराबर है 36. अब यहां देखते हैं हम तो x प्लस 3 इंटू में x प्लस 29 बराबर है 360. अब इनको हल करेंगे तो x इंटू x आपका x स्क्वायर. यहाँ पे x की 29 से करेंगे तो 29x. फिर आपका 3 इंटू x 3x फिर 39. 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 27 3 × 6 और 2 × 8 360 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 29 और 3 32x. और यहाँ 360 में से 87 घटाएंगे 3 × 15 में से 8 × 7 यहाँ माइनस आपका 273 0. ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है. द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक फॉर्म. तो आप कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है फिर इनका बाद में हम इनका लास्ट सॉल्यूशन देखेंगे इनकी एज वगैरह. पहले इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने सिखाएंगे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही. तो ऐसे ही हमने डी क्वेश्चन में अक्सर इक्वेशन बनाई है. हम क्वेश्चन नंबर डी है इसका इक्वेशन तक पहुंचाएंगे, बाद में आपको हल करना है. ए ट्रेन ट्रेवल्स से डिस्टेंस 480 किलोमीटर आर ए यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. तो वी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. स्पीड की ट्रेन की स्पीड है वो फाइंड आउट करनी. तो यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं. लेट द
लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो एक्स आवर्स पर एक्स किलोमीटर पर आवर्स, एक्स किलोमीटर पर आवर्स। अब स्पीड है वो कम कर दी गई है, स्पीड को है वो घटा दिया गया है, ठीक है। डिक्रीज स्पीड, स्पीड को डिक्रीज करने के बाद देखना है 8 किलोमीटर कम किया गया तो यूनिफॉर्म को 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो पहले यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर है, फिर स्पीड कम होने के बाद x माइनस 8 किलोमीटर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस हमारी है 480 किलोमीटर। तो यहां हम टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां देखिए हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम पहले तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर स्पीड डिक्रीज होने के बाद टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे इसको, ठीक है। तो 480 अपॉन एक्स ये है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड और ये है हमारी 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ये गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और ये गाड़ी है वो डिक्रीज कर दिया हमने यूनिफॉर्म स्पीड को, तो धीरे चल रही है, तो धीरे चल रही है तो ये टाइम ज्यादा ले रही है। कितना टाइम ज्यादा ले रही है? 3 hours ज्यादा ले रही है। ये गाड़ी है ये धीरे चल रही है, ये तेज चल रही है, तो तेज चल रही है तो ये कम टाइम लेगी, जो धीरे चल रही गाड़ी वो ज्यादा टाइम लेगी, तो ये ज्यादा टाइम ले रही है। तो यहां से हम सब पैक कर लेते हैं 3 hours ताकि दोनों का टाइम इक्वल हो जाए। अब इसको उठा के ट्रांसपोज कर देते हैं हम, तो 480 अपॉन एक्स माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। एलसीएम लेके इनको हल कर देंगे, तो एलसीएम लेके आप हल करोगे इनको, एलसीएम आएगा आपका एक्स इंटू एक्स माइनस 8, एक्स एक्स कैंसिल आउट, एक्स माइनस 8 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स माइनस 8 और फिर आपका माइनस, फिर आपका x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, x इंटू 480 इज इक्वल टू माइनस 8। यहां हल करोगे आप तो 480x माइनस ये आपका हो जाएगा माइनस 0 8 64 तक 32 और 6 8 30 माइनस 480x, यहां x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका माइनस 3840 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस बार के बढ़ाओगे आप माइनस 3840 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट आपका, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x और ये हो जाएगा 3840, इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा बराबर जी। अब आप इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हैं सॉरी, तो x स्क्वायर माइनस 8x 3 × 3 × 3 × 6 2 × 3 × 8 24 1280 आ जाएगा बराबर जी। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ही आ जाएगा आपके, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 × 8 = 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे आपने हल करना है। तो ये बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अगली एक्सरसाइज का अगले वीडियो में जल्दी ही नोट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।